हम अनबॉक्स करेंगे सूर्य के गैस गीजर। हमें अक्सर इस बारे में क्वेरी आती है कि असली सूर्य का गैस गीजर कौन सा है, क्योंकि आजकल सूर्य से मिलते जुलते नामों के बहुत सारे गैस गीजर मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सूर्य के आगे पीछे बहुत कुछ लिखा होता है। लोगों को उसके बारे में ठीक से ना तो उसके लोगों के बारे में कुछ बताया जाता है, ना ही मॉडल्स के बारे में, ना ही उसके फीचर्स के बारे में। बस वो सूर्य और उसके आगे पीछे कुछ नाम जोड़ के मार्केट में दिया जा रहा है। तो आज हम अनबॉक्स करते हैं सूर्य के गैस गीजर। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि असली सूर्य गैस गीजर के मॉडल सीरीज क्या होते हैं। ओरिजिनली जो सूर्य होते हैं उनकी मॉडल सीरीज JSD से स्टार्ट होती है, ना कि सूर्य 6L या सूर्य 6.5L, सूर्य 7 लीटर। सूर्य सिर्फ दो ही साइज बनाता है, सूर्य 6 लीटर और सूर्य 10 लीटर। इसमें जानने की बात यह है कि इसमें 6 लीटर और 10 लीटर का मतलब क्या है। 6 लीटर का मतलब ये होता है कि सूर्य का गैस गीजर 1 मिनट में 6 लीटर गर्म पानी कर सकता है, जिसका मतलब यह कि अगर आपके पास 12 लीटर की बाल्टी है तो वो 2 मिनट में पूरी भर देगा। अब हमें यह जानना चाहिए कि एक सूर्य गैस गीजर या उससे मिलते जुलते ब्रांड के अंदर फर्क क्या होता है, क्यों लोग उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बाहर से काफी मिलते जुलते मॉडल इसमें आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं वो। बिल्कुल एक जैसे दिखने के बावजूद भी उनके फंक्शन में और उनके यूज में काफी फर्क होता है, जैसे कि मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले गैस गीजर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर ये उसका एग्जॉस्ट होता है जहाँ से गर्म हवा बाहर निकलती है। ये एक हीटिंग चैम्बर होता है जो पूरी तरह से तांबे या कॉपर का बना हुआ होता है, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 पाइपें होती हैं, ये भी कॉपर की बनी होती हैं। ऊपर की तरफ 4 पाइपें होती हैं, जैसे कि मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ इसमें, और इसमें पीछे की तरफ भी 3 पाइपें होती हैं। ये बर्नर होते हैं जिसके अंदर LPG बर्न होती है और वो इस चैम्बर को गर्म करती है, जिससे आपका पानी गर्म होता है। ज्यादा पाइपें डाली इसलिए जाती हैं ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा देर तक इस चैम्बर में घूम सके और आपकी LPG पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, और उससे आपका जब पानी बाहर आएगा तो वो कम LPG कंज्यूम करते हुए ज़्यादा पानी गर्म करेगा। ये वो वाटर वॉल्व होता है जिसके अंदर से आपका गैस और पानी के कंट्रोल बनाए जाते हैं। ये सोलेनोइड पार्ट होता है जहाँ से आपकी LPG कंट्रोल होती है, ये आपका पानी का कंट्रोल का पार्ट होता है। ये एक लो प्रेशर गैस गीजर है, यानी कि अगर आपके घर में पानी, अगर इस गैस गीजर की टंकी, पानी की टंकी अगर गैस गीजर से बिल्कुल ऊपर भी लगाई जाए तो ये काम करेगा और आपका पानी को गर्म करेगा। ये बैटरी बॉक्स होता है जिसमें सेल डाले जाते हैं। एक बैटरी बॉक्स का सेट करीब करीब 6 महीने तक बिल्कुल आराम से चल जाता है। ये IC कंट्रोलर होता है, ये इसके सारी फंक्शनैलिटी को चेक करता है। इसी के अंदर इनबिल्ट ऑक्सीजन सेंसर होता है जो आमतौर पे दूसरे गैस गीजर्स में नहीं होता। अगर किसी वजह से आपके बाथरूम में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो उस केस के अंदर ये गीजर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और ये तब तक नहीं चलेगा जब तक ऑक्सीजन की मात्रा 21% तक ना पहुंच जाए। आमतौर पे हमारी हवा के अंदर इस 21% ऑक्सीजन होती है, जो 17% होने तक ये गैस गीजर काम करेगा, लेकिन अगर ये 11% तक पहुंच जाती है तो उसके बाद जानलेवा साबित हो सकती है, क्यों उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का जन्म हो जाता है गैस गीजर से, जो अनबर्न गैसेस निकलती हैं। तो इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो वहाँ 17% के बाद ही गैस गीजर को रोकना शुरू कर देते हैं और गैस गीजर काम नहीं करता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके कनेक्शन और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है, हमें दीवार में एक ड्रिल करके उसके ऊपर गैस गीजर को कुछ ऐसे लगाना है, जैसे आप सामने देख सकते हैं। एक ड्रिल के साथ इसे लगाया जा सकता है।
इनसे करने के बाद हमें इसमें दो बैटरी सेल डालने हैं। डालते वक्त बस उनके सेल्स की हमें पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना है कि वो उल्टे ना डल जाए। और उसके बाद इस लॉक को घुमा दें सेल को। जैसे आप देख सकते हैं ये वाटर इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा ठंडा पानी, और ये गर्म पानी आने का है इसमें, ये इसका वाटर आउटपुट है। ये गैस इनपुट है, यहाँ से आपकी एलपीजी इन होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये आपका वाटर कंट्रोल है, जिससे आप चलते में पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे जैसे हम पानी को कम करते जाएंगे टेम्परेचर पानी का बढ़ता चला जाएगा। कई बार सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तब हमें पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इसे हमेशा मिनिमम के आसपास रखना होता है। ये गैस चूल्हे की तरह आप इसमें अपनी गैस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका विंटर समर का स्विच होता है, इसका पर्पस ये होता है, जैसे आपने इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था, इसके अंदर तीन बर्नर होते हैं जिसमें छः आउट निकलते हैं। उनमें से जब हम इसे समर मोड पे करते हैं तो इसमें सिर्फ दो ही जेट चलेंगे, चार बंद हो जाएंगे। जब आप इसे विंटर पे करेंगे तो इसमें सारे बर्नर पूरी तरह से काम करेंगे। कई बार ना घरों में सिर्फ एक ही वाटर कनेक्शन होता है, वही ठंडे और गर्म पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए ये ऑन ऑफ दिया जाता है। इसे हमें डेली बंद या ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ इसलिए होता है कि सपोज आप पीना गैस गीजर को तो हटाए, आप उसी में से गर्मियों में ठंडा पानी लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ करके वही पानी एज इट इज इसमें से निकाल सकते हैं, इससे गैस गीजर ऑन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कैसे पानी को गर्म करता है। हमें इसे स्टार्ट करने के लिए किसी बटन का इस्तेमाल नहीं करना। हम जब अपने पानी को ऑन स्टार्ट करते हैं इनपुट से, तब इसमें से ये पानी आता है जो 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर गर्म होना शुरू हो जाएगा। एक नॉर्मली 6 लीटर का फ्लो आप देख सकते हैं। जैसे कि अब ये गर्म हो गया है। 6 लीटर गैस गीजर का मतलब होता है वो गैस गीजर जो एक मिनट में 6 लीटर गर्म पानी करते, यानी कि जैसे हमने एक 12 लीटर की बाल्टी रखी, इसे भरने में हमें 2 ही मिनट लगते हैं पूरी तरह से, तो ये 6 लीटर का है। अगर मान लीजिए कोई 10 लीटर का होगा तो वो इस बाल्टी को करीब 1 मिनट 15 सेकंड में पूरी तरह से भर देगा उसी टेम्परेचर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जानकारी के लिए आप shopsurya.com पे लॉगिन भी कर सकते हैं। थैंक यू।